कराची में अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के काउंसलर डेरेक शॉल ए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब पारा जामे इस्लामिया मस्जिद क्लिफ्टन में बोर मुतासर लाए कायम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो दौरो किया वो उन मौके से तकरीब के खिताब कदे अमरीकी कौंसलेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट डेरेक शॉल पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल से गणती जो इजहार कदे अमरीका डुख की इन घड़ी में पाकिस्तान से गड है। पाकिस्तान बरसात सबब आयल तबाही वे बोर्ड के मुंह डे रो है। यूएसएड इन डुखे वक्त में पाकिस्तान से गड बीठल है। अमरीकी हुकूमत 31 मिलियन अमरीकी डॉलर की इमदाद दे रही है। उन्होंने अमरीका ए पाकिस्तान जा 75 साल पुराना तालुक है। वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात में पाकिस्तान के मुआशी बेहतरी से भी गाल बोल कई वही है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब बोर्ड मुतासर लाए आयल अमरीकी इमदाद के भलीकार कदे पाकिस्तान की मदद करण इतने अचानते अमरीकी हुकूमत जा थोरायता मानुन के बहाल करण जो वक्त अची वो है। मानुन के असा जी मदद की जरूरत है। इन वक्त सिंध लाए मुश्किल वक्त है। सिंध की अवाम के रिलीफ ए मदद की सख्त जरूरत है। आखिरी मुतासर की बहाली ताई चैन से न वेहंदस। उन मौके से अमरीकी कौंसलर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट डेरेक शॉल बेन अमरीकी हुकाम का सवाए जामिया इस्लामिया क्लिफ्टन के नाजिम माला मुफ्ती अबू बकर मुहियुद्दीन कॉर्डिनल जोसेफ कोट्स ए मुख्तलिफ मजहबन अगवाण ए समाजी अगवाण पिण मौजूद हुआ।